दुनिया में हुनरबाज तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा हुनरबाज भारत में पैदा हुआ था जिसके ठगी के किस्से इतने मशहूर हुए कि आज भी उसके ऊपर फिल्में बनाई जाती है। उनके गांव वाले उन्हें इतना रिस्पेक्ट देते थे कि उनका नाम लेने से पहले मिस्टर लगाया जाता। उनके गुजर जाने के बाद उनकी मूर्ति बनवाई गई, जिसे सिवान का रॉबिन हुड कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं सिवान जिले के बंगरा गांव में 1912 में पैदा हुए मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बने। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ठगी का रास्ता चुना और इस दुनिया में बहुतों को चुना लगाया। मिथिलेश कुमार के कुल 50 नाम थे, जिनमें से एक था नटवरलाल। नटवरलाल ने सबसे पहली चोरी की शुरुआत 1000 रुपये से की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से पैसे निकाले थे। नटवरलाल का हुनर किसी भी व्यक्ति के नकली हस्ताक्षर करने में था। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवरलाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवरलाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के भी हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। नटवरलाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूं और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवरलाल की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवर को यह ऑफर पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यहीं से नटवरलाल के बढ़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ। नटवर 1970 से 1990 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपयों के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा बिरला और अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवरलाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपयों का चूना लगाया था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक घड़ी की दुकान से नटवरलाल ने 98 घड़ियों का स्कैम किया, जिसकी कीमत उस जमाने में 32,829 रुपये थी। इतना ही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को, दो बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। हैरानी की बात है कि जब उसने संसद भवन को बेचा था, तब सारे सांसद वहीं उपस्थित थे। अर्थात संसद भवन के साथ साथ उसने सभी सांसदों को भी बेच डाला। ताजमहल इत्यादि बेचने के बाद नटवरलाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वह अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 111 साल की सजा हुई थी और उसने जो सजा पूरी की वो 20 साल से भी कम की थी। इसका कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवरलाल जितने नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता, उससे भी ज्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। नटवरलाल को आखिरी बार 24 जून 1996 को देखा गया था। जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए एम्स दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, 1 डॉक्टर और 1 सफाई कर्मचारी की टीम ने नटवरलाल को दिल्ली स्टेशन लाई और वह यहीं से सबको चकमा देकर भाग गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में पता नहीं चला। बिहार के बंगरा गांव के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्होंने नटवरलाल के सम्मान में अपने गांव में, जहां उसका घर था, वहां पर उसकी एक मूर्ति लगा दी है। क्योंकि नटवरलाल जब भी गांव आता तो कारों के काफिले के साथ आकर सभी गांव वालों को खिला पिला कर उन्हें पैसे भी दिया करता और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता था, जिसकी वजह से वो लोगों के लिए रॉबिन हुड बन गया था। वर्ष 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों ना अब नटवरलाल के ऊपर लगे सभी 100 से ज़्यादा केस को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है, इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उनके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही ख़त्म कर दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है। देखा जाए तो उसने कानून को भी ठग लिया। बाद में नटवरलाल के सारे केस को बंद कर दिया गया, यह मानकर कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों,
जय हिंद जय भारत।